जय माता दी। दोस्तों 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो कि 5 जून की रात 11:15 से लेकर अगले दिन रात के 2:34 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। इस प्रकार से यह ग्रहण 3:18 का होगा। रात 12:54 इसका सबसे अधिक प्रभाव होगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसमें सामान्य क्रियाकलाप जारी रहते हैं। इसका सूतक काल भी नहीं होता है। दोस्तों 5 जून यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन कुंभ राशि हो सकते हैं कंगाल। इस दिन आपको किसी भी बड़े कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, साथ ही किसी तरह का बड़ा फायदा भी नहीं होगा, और इस दिन आपको बहुत ही संभल के रहना होगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों पर कैसा रहेगा ग्रहण का असर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। दोस्तों इस ग्रहण का कुंभ राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान कार्यक्षेत्र पर कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके शत्रु सक्रिय होंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे कुछ असंतुष्ट दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी कमजोर रह सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य प्रति सावधान रहते हुए अपने खाने की आदतों में सुधार करें। कुंभ राशि वालों को कारोबार में नुकसान भी हो सकता है, कामकाज को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, शनि महाराज का जाप करना बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5 जून के दिन की आपकी निगेटिव बातें किस तरह से रहेगी उसके बारे में। इस राशि वाले लोगों को अपने खान पान की आदतों में सुधार करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, घर परिवार के लोगों के सहयोग से आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, जिसका आगे चलकर अच्छा फायदा मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से आपके ऊपर आर्थिक स्थिति का बोझ बना रहेगा, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन में समझदारी से काम लीजिएगा, आप अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखें। नौकरी पेशे वाले लोगों का समय थोड़ा कठिन रह सकता है, बड़े अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना बन रही है। इस राशि वाले लोगों को नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा, आप अपने कामकाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, परिवार के लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत भी हो सकती है। आपको पारिवारिक मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रेम जीवन में आपको मिले जुले नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। धन मिलने में देरी या लेन देन से हुए नुकसान के कारण आप निराश हो सकते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा का योग है, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। अच्छे भाग्य का योग है, बस थोड़ा इंतजार करें। करियर में बदलाव आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जहाँ प्यार है वही जीवन है, और आपके जीवन में अभी प्यार की कमी नहीं है। नया रिश्ता आपके जीवन में उत्तेजना लाएगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो प्यार को तलाशने से ना डरे, कुछ फुर्सत के पल भी आज आपके कार्ड में हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। आज कोई भी वित्तीय निर्णय लेना घातक हो सकता है, इसलिए इसमें बचे। जीवन में आया कोई भी दुख या बदनामी आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती है। नए कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले, ताकि कोई परेशानी ना हो। आज आप अच्छे मूड में हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जिनकी कंपनी आपको पसंद है। मौज मस्ती और पार्टी, आज आपके दिमाग में केवल यही सब कुछ है। आपके पास कुछ रहने और सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ है। आप आत्मविश्वास और आशा से भरपूर हैं,
और आपका यह रवैया दूसरों को प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि के लव लाइफ के बारे में बात करें तो धार्मिक झुकाव के कारण अभी आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान दर्शन का आनंद ले सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। अपने महबूब से दूर होने पर आपको अपने जीवन में उसके महत्व का एहसास होगा और इस एहसास से आपका संबंध और भी मजबूत बन सकता है। नए रिश्ते आपके जीवन में नई उमंग लेकर आएंगे। जो लोग रिश्ते में हैं, वो जीवन की नई मिठास का अनुभव करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, वो साथी की तलाश में व्याकुल हो सकते हैं। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, रिश्ते की कदर करें। अपने सोना के लिए समय निकालें और उसे प्यार का एहसास कराएं। किसी करीबी की मृत्यु या मृत्यु की तरह की स्थिति आपको चिंतित कर सकती है। अभी रोमांस सुख आपकी प्राथमिकता रहेगी। प्रेम कीड़ा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। पिता या शिक्षक को हुए घाटे से आपको अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। आपकी चारों ओर खुशियों की बहार होगी। आज आप उत्सुक और उत्साहित हैं व उन लोगों की संगत का मजा ले रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अपने प्रेमी के लिए अपने मन में उमड़ा प्यार का सागर आपको प्रफुल्लित रखेगा। आपकी आंतरिक ऊर्जा ही दूसरे लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है और लोग आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान हमें भूलकर भी कौन से गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला है मूर्तियों को स्पर्श ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक किसी भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान का मन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान रखिए कि भगवान को भी ग्रहण के दर्शन ना हो, क्योंकि मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जो बात है, अन्न जल खास तौर पर दूसरों का अन्न खाने से बचे। ग्रहण खत्म होने तक खाना पीना नहीं चाहिए। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति कोई भी आपको कुछ भी खाने को दे तो नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहण के दौरान कई लोग टोना टोटका करते हैं। अगर कोई भी चीज दे तो उसकी जानकारी अपने घर पर जरूर दे। साथ ही इस दिन मांस मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो बात है, गर्भवती महिलाएं ध्यान दे। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की छाया का कुप्रभाव से गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है, जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल हमेशा पास रखें और उसे अपने पास ही रखकर सोए। दोस्तों, चौथी जो बात है, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान स्त्री पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाना अशुभ और परलोक में कष्टकारी माना गया है। इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इस समय शरीर मन तथा बुद्धि में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, पांचवी जो बात है, किसी का भी अपमान ना करें। दोस्तों, किसी भी गरीब व असहाय व्यक्ति या फिर अपने माँ बाप का अपमान ना करें। संभव हो तो इनकी मदद करें और इसको अपनी आदत बना ले। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीब व असहाय का अपमान करने पर शनिदेव की बुरी नजर उस पर पड़ती है। दोस्तों, छठी जो बात है, इन जगहों पर न जाए। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति बहुत हावी रहती है, इस दौरान इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेहतर होगा कि ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या स्मशान जैसी जगहों से जाने से बचे। ग्रहण के दौरान घर पर ही पूजा करें। दोस्तों, सातवीं जो बात है, शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, अन्यथा वह कार्य आपके लिए अशुभ बन सकते हैं।
साथ ही इस दौरान बाल और नाखून काटने से भी बचे। वही सिलाई, कढ़ाई, भोजन पकाना और खाना आदि कार्य नहीं करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती। दोस्तों आखिरी और आठवीं जो बात है, वाद विवाद से बचे। ग्रहण के दिन घर में या बाहर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, इससे घर का माहौल भी खराब रहता है, साथ ही घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा नहीं मिलती है। ग्रहण के दिन पितृगणों का ध्यान करें और उनका नाम लेकर कुछ दान करें। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहने वाला है 5 जून का चंद्र ग्रहण और कुंभ राशि पर इसका प्रभाव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, साथ ही चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।